दूसरे टेस्ट पर बारिश का साया। खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए चलें खेल चक्कर। टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच शुक्रवार से दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। ये मैच सुबह 9:30 बजे से होगा। हालांकि वहां इस मैच पर बारिश का भी साया मंडरा रहा है। टीम इंडिया इस सीरीज में 1-0 से आगे है। बांग्लादेश के क्रिकेटर शाकिब अल हसन ने कानपुर टेस्ट से ठीक पहले संन्यास का ऐलान कर दिया। शाकिब ने कहा कि वो अपना आखिरी टेस्ट मीरपुर में खेलना चाहते हैं, लेकिन शायद ये संभव नहीं हुआ तो कानपुर टेस्ट उनके करियर का आखिरी टेस्ट होगा। शाकिब को इस बात का डर है कि अगर वो बांग्लादेश जाते हैं तो शायद वो अपने देश पहुंचने के बाद वहां से ना निकल पाए, क्योंकि वो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी के सांसद थे। पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने बताया कि वो अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। साथ ही गावस्कर ने कहा कि मंदिर बहुत ही भव्य और दिव्य बना हुआ है। नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने पहलवान विनेश फोगाट को नोटिस भेजा। दरअसल आरोप है कि नाडा की एक टीम उनका टेस्ट लेने पहुंची थी, लेकिन विनेश अपने घर पर नहीं मिली। अब इस मामले में उन्हें 2 हफ्ते में जवाब देना होगा। बैडमिंटन खिलाड़ी के श्रीकांत ने मकाओ ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। उन्होंने अपने हमवतन आयुष शेट्टी को मात दी। वहीं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने भी डबल्स के क्वार्टर फाइनल में एंट्री कर ली।